फिरोजाबाद जनपद में बार एसोसिएशन अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने उपजिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। सीएमओ ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की पिछले दिनों कोरोना से मृत्यु के संबंध में सीएमओ पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की और साथ ही कचहरी न खुलने पर भी सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हर जगह कोर्ट खुल रहे हैं लेकिन सीएमओ ने अपने ठेके खुलवा रखे हैं, जैसे आरटीओ ऑफिस। और फिरोजाबाद में कैदियों की रिहाई न हो पाने पर भी उन्होंने सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया। किस संबंध में दिया गया है? इस संबंध में दिया गया है कि जो यहाँ के सीएमओ फिरोजाबाद हैं उनकी घोर लापरवाही के कारण यहाँ संक्रमण फैल रहा है। जो आपदा राशि शासन से मिल रही है उसका वो सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्हीं की लापरवाही की वजह से उनके कंप्यूटर ऑपरेटर चालक की मृत्यु हुई है। उसके लिए उन्हें हमें जिम्मेदार ठहराया है तथा शासन से हमने मांग की है कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी लापरवाही की वजह से हमारा जनपद न्यायालय बंद है। जो आवश्यक न्याय कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें खुली हुई हैं, अकारण जो हमारे यहाँ कैदी बंद हैं वो छूट नहीं पा रहे हैं। उनकी आर्थिक जो परेशानी थी और उनके घर की भी जो आमदनी थी वो शून्य हो चुकी है। इसके लिए भी हमने सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है और अधिवक्ता जो हमारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनका कोई और साधन नहीं है और जो शासन से हमने आर्थिक सहायता की उनके लिए मांग की थी वो अभी तक सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। तो हमने 20,000 रुपये की प्रत्येक अधिवक्ता के लिए आर्थिक सहायता के लिए मांग की है और जनपद न्यायालय को आवश्यक कार्य खोलने के लिए मांग की है। क्या मानना है सीएमओ ऑफिस के बाद कुछ ऑफिसें खुली हुई हैं और न्यायालय नहीं खुल पा रहा है? ये सीएमओ की लापरवाही और हमारे जिलाधिकारी महोदय की हठधर्मता है कि उन्होंने अपने ठेके खुलवा दिए हैं। आरटीओ ऑफिस खुली हुई है और जहाँ बीटीसी की काउंसलिंग कराई गई जहाँ हजारों की तादाद में जो सीएमओ के ऑफिस के ठीक सामने है उसमें अभ्यर्थी उपस्थित हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ और कंटोनमेंट जोन में जो आते हुए भी वहाँ वो काउंसलिंग कराई गई।